होली का त्योहार पूरे देश में कोरोना वायरस के बीच मनाया जा रहा है। इसी बीच बॉलीवुड सितारों ने भी देशवासियों को होली के त्योहार पर सोशल मीडिया के जरिए विश किया है। ऋतिक रोशन ने होली की शुभकामनाएं देते हुए लिखा, अमिताभ बच्चन ने जया बच्चन के साथ होली खेलते हुए एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा। दिया मिर्जा ने लिखा, प्रियंका चोपड़ा ने भी अपने फैंस को शुभकामनाएं दी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अभिनेता विक्रांत मैसी ने भी खुलासा किया है कि वह भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। विक्रांत ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए यह जानकारी दी। इसी संदेश में उन्होंने लोगों से सावधान रहने का अनुरोध किया। अभिनेता को अगली बार थ्रिलर फिल्म लव हॉस्टल और सीरीज स्विस्ट में देखा जाएगा। इसके अलावा वह तापसी पन्नू के साथ हसीना दिलरुबा और संतोष सिवन की मुंबई कर में भी नजर आएंगे। हमेशा अपने बेबाक बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाली अभिनेत्री राखी सावंत का कहना है कि वह इस कोरोना काल में गुब्बारे में सैनिटाइजर भर के होली खेलने वाली है। हाल ही में राखी अपने खूबसूरत अंदाज में मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आई। इस दौरान उनका कहना था, इधर तो कर्फ्यू भी लग रहा है आज से। कर्फ्यू लग रहा है क्या? हाँ, भगवान, 8 बजे के बाद से सबको बचाना। आप बोले थे ना गुब्बारे में सैनिटाइजर मार के, वैसे ही सब। मैं तो गोवा में गुब्बारे में सैनिटाइजर भर के होली खेलूंगी और सेफ रहूंगी। क्या मास्क लगा दो और टेंशन हो रहा है। विदाउट मास्क तो नहीं रहना चाहिए। यस यस। राखी एक बार फिर बिग बॉस 14 के जरिए फैंस के दिलों में खास जगह बना चुकी हैं। शो के दौरान लोगों ने राखी को काफी पसंद किया। अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती जो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, उन्होंने रविवार को इंस्टाग्राम पर प्यार के बारे में बात की। इसके साथ उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की जिसमें वह अपनी दोस्त और फिल्म साठ की आंख की निर्माता निधि परमार हीरा नंदानी के साथ पोज देती नजर आ रही हैं। इसे शेयर करते हुए रिया ने लिखा, काम की बात करें तो रिया आगामी फिल्म चेहरे में नजर आएंगी। अपने बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया की यह पहली फिल्म होगी जो रिलीज होने जा रही है। सुशांत के परिवार द्वारा रिया पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था और रिया ने कुछ सप्ताह हिरासत में भी बिताए थे। चेहरे में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, इमरान हाशमी, अनु कपूर, रघुवीर यादव, क्रिस्टल डिसूजा और रघुभान यादव भी हैं। हैप्पी होली एवरीवन, बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। और मैं कुछ बहुत एक्साइटिंग शेयर करना चाहती हूँ। तलाइवी के ट्रेलर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब जानते हैं कि जया माँ ने अपनी सारी जिंदगी लोगों के लिए जी है। पहले उन्होंने एक सुपरस्टार बनके उनके दिल में एक जगह पाई और फिर उसके बाद उनको एक रेवोल्यूशनरी लीडर का लोगों ने मुकाम दिया। और उनकी इसी क्वालिटी को, क्योंकि वो लोगों के लिए जीती थी, नज़र में रखते हुए हमारी जो टीम है उन्होंने बहुत एक्साइटिंग कैंपेन लॉन्च किया है जिसके सारे प्रमोशन के डिसीजंस लेंगे आप। सो दोस्तों, आप प्लीज़ इस कैंपेन में हिस्सा लें, #VoteForTalaivi एंड डिसाइड द प्रमोशंस ऑफ द फिल्म। अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों राजस्थान के जैसलमेर में अपनी आगामी फिल्म तेजस की शूटिंग कर रही हैं। इसकी खबर कंगना ने ट्विटर पर शूटिंग के दौरान की तस्वीर शेयर करते हुए दी। इस तस्वीर में फिल्म के डायरेक्टर और क्रू मेंबर फिल्म के शॉट के लिए तैयारी करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कंगना ने एक अन्य तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है जिसके जरिए उन्होंने अपने फैंस को होली की शुभकामनाएं दी हैं। इस तस्वीर में कंगना अपनी टीम के साथ सीढ़ियों पर बैठी नजर आ रही हैं। ग्रीन कलर का सूट पहने और गालों पर कलर लगाए कंगना काफी खूबसूरत लग रही हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।